सो हेलो एंड वेलकम बैक टू पेंटापंक्स। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि APS सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके लिए हम अप्लाई कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है APS की, और कितने टाइम पीरियड में वो APS सर्टिफिकेट आ जाता है, और क्या करें हम जिससे वो टाइम टू टाइम सारी प्रोसेस APS की हो जाए और हमारा APS हमारे पास टाइम पे आ जाए जब हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या फिर वीजा डेटा बुक करनी है। तो सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड इस वीडियो में, स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो अब सबसे पहली चीज है कि APS अप्लाई करना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा कि APS क्या होता है। तो APS बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो हमारी इंडियन डिग्रीज, या फिर अगर आप पाकिस्तान से हैं या फिर बांग्लादेश से हैं, तो आपकी जो भी डिग्री है आपने जो यहाँ पे कंप्लीट करी है, बैचलर्स या फिर ट्वेल्थ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए उनको मेनली अपने एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट चाहिए और बस छोटी सी प्रोसेस है, उसको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही आप टाइप करोगे APS इंडिया तो सबसे पहली वेबसाइट वही आएगी APS इंडिया करके। तो हम पहले वेबसाइट चेकआउट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वेबसाइट पे। जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो उनका स्टेटमेंट्स दी है वो है, फिर ऊपर आप देखोगे तो हमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहला यूजर ने पूछा है हमसे, तो हम यूजर ने में कुछ भी रख सकते हैं। तो मोस्टली जैसे मैंने अपना रखा है उर्मिश पटेल 6466, तो वो हो गया। पासवर्ड अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए, पासवर्ड आपको जो रखना है और ये पासवर्ड याद रखना है तो उस हिसाब से आप पासवर्ड सेट करना ऑफकोर्स। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको 30 KB के अंदर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए 11 जोन करके भी वेबसाइट है, तो उसमें आप अपना सिंपली जो फोटो आप पासपोर्ट साइज फोटो है उसको क्रॉप करके डालिए और 30 KB के अंदर वो प्रोसेस करके आपको दे देगा। तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, देन आपकी नेम और बाकी सारी जो डिटेल्स है तो वो डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो ये डिटेल्स आपको याद रखना है कि इसमें से ईमेल आईडी चेंज नहीं होती है। पासपोर्ट नंबर तो ऑफकोर्स एक ही पासपोर्ट नंबर पे APS अप्लाई होता है एक ही बार, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ईमेल आईडी और ये सब जो भी चीज़ है और नाम वाम सब आपको परफेक्टली फिल करना है विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो आप दो बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब जैसे ही डिटेल्स फिल हो गई आपकी तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ अब 10th की डिटेल्स पूछेंगे आपको। सो आपके 10th में जो भी कोई बोर्ड था वो बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे मेरा गुजरात बोर्ड था तो मैंने अपने गुजरात बोर्ड का पूरा नाम लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको अपने बोर्ड का पूरा नाम लिखना है। एंड देन ये सेंटर नंबर जो है वो लाइक मैंडेटरी नहीं है, तो आपके रिजल्ट में अगर सेंटर नंबर लिखा हुआ है तो आप डाल सकते हो, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको मिस कर सकते हो। और उसके बाद है परसेंटेज, तो परसेंटेज आपको ओवरऑल वाली डालनी है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। और ट्वेल्थ में भी आपको सेम डिटेल्स डालनी है, लाइक आपके ट्वेल्थ की डिटेल्स, तो उस हिसाब से आप जब डिटेल्स डाल देंगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है डिप्लोमा इंस्टीट्यूट डिटेल्स करके। उसने डिप्लोमा किया है तो वो आपके डिप्लोमा की जो डिटेल्स है वो सारी फिल करनी है। और अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, तो डिप्लोमा की डिटेल्स डालते टाइम आपको इसमें स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो काफी यूनिवर्सिटीज होती है जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करती है अपने पोर्टल में लॉगिन करने के लिए, जहां पे आप अपना रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे डालनी होगी आईडी और पासवर्ड दोनों, और आपके परसेंटेज अगर मोस्टली आपके CGPA वाइज लिखा हुआ हो आपके रिजल्ट में, तो आपको बस अपने रिजल्ट के पीछे जो पेज होता है उसमें पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि आप हाउ टू कन्वर्ट टू परसेंटेज, उस हिसाब से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए। फिर जैसे आईडी पासवर्ड का मैंने बताया आपको वही करना है, एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगली विंडो है आपकी बैचलर्स डिटेल। तो अभी बैचलर्स में काफी लोग अगर ट्वेल्थ के बाद जा रहे हैं बैचलर्स करने के लिए तो उनको ये पूरा नहीं फिल करना है, उनको स्किप कर देना है। मोस्टली लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं,
तो आपको अगर मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको बैचलर्स आपने यहाँ पे कंप्लीटेड किया होना चाहिए। तो उसके लिए तो बैचलर्स की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहला है कंप्लीटेड और स्टिल स्टडिंग। तो अभी इसमें सीन ऐसा है कि काफ़ी लोग 7th सेमेस्टर में होते हैं तभी भी अप्लाई कर देते हैं बीएस के लिए, तो वो स्टिल स्टडिंग पे क्लिक करते हैं। तो और जैसे मैंने अभी कंप्लीट हो गया है मेरा स्टडीज, तो मैं कंप्लीटेड बैचलर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से कंप्लीटेड बैचलर्स क्लिक करना है, आपको यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, कॉलेज का नेम लिखना है, एंड देन आपने कौन सा कोर्स परस्यू किया है। जैसे किसी ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, उस हिसाब से आपको ये कोर्स परस्यूट में लिखना है। तो उसके बाजू में आपको दिखेगा ड्यूरेशन आपका, तो काफी लोगों की डिग्री 4 साल की होती है, काफी लोगों की 3 साल की होती है, तो उस हिसाब से आपकी जो डिग्री है उस हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हैं। एंड देन अब नेक्स्ट डिटेल जो आने वाली है वो है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का केस ऐसा है कि काफी लोग जैसे बैचलर ऑफ साइंस करते हैं तो वो लोग क्या उनका सब्जेक्ट्स होता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और काफी लोग अगर बीबीए भी कर रहे हैं ऑनर्स तो उसमें भी फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग वालों का तो होता ही अलग से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, केमिकल, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में लिखना है। और अगर आपने बीबीए करी है तो जनरली अगर जनरल बीबीए है तो उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, तो आपको ये बॉक्स फिल नहीं करना है, सिंपली आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर पासिंग ईयर भरना है, परसेंटेज भरने, अगर परसेंटेज स्कीम वाली है तो परसेंटेज, जीपीए वाली तो जीपीए। और देन हाँ, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। और अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किसी एक प्रोफेसर का ईमेल आईडी जो वेरिफिकेशन मेल को रिप्लाई करेंगे। लेकिन केस इसमें ऐसा है कि अगर आपका बैचलर आईडी और पासवर्ड है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जैसे हम देखते हैं कि इसका पर्पज होता है एकेडमिक इवेल्यूएशन करना कि आपके जो डिग्री यहाँ पे पढ़ी है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो वो डायरेक्ट वहाँ से आपका वेरीफाई कर लेंगे, और अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं प्रोफेसर की। और इसमें प्रोफेसर की ईमेल आईडी में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो डोमेन नेम होता है लाइक gmail.com, yahoo.com होता है, वो नहीं चलता है। जैसे हमारी VNSU है तो vnsu.ac.in करके डोमेन आता है और आगे आपके प्रोफेसर का नाम उस हिसाब से होता है, तो आपको वो वाली आईडी अपने प्रोफेसर से मांगनी है जिसमें डोमेन नेम कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का हो। तो उस हिसाब से ना है, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप मास्टर्स की भी डिटेल डाल सकते हैं। और सेम वे इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड, आईडी सब डाल दे आप, ईमेल आईडी भी डाल दे, क्योंकि उसी से वेरीफाई होने वाली है आपकी डिग्री। तो अब अगर आप इसमें डिटेल्स नहीं डालोगे तो ऑफकोर्स आपको फ्यूचर में लाइक आपको मेल आ ही जाएगा ईपीएस का कि आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप डाल दीजिए। और ये 3 चीज़ें मेन है, आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी। तो ये तो ऑफकोर्स लाइक आपको करनी ही डालनी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और देन एडिशनल डिग्री वाला जो पार्ट है, अगर आपने एडिशनल डिग्री कर रखी हो, जैसे बीकॉम वाले काफ़ी बार एलएलबी भी करते हैं साथ में, तो बीकॉम एलएलबी, तो बीकॉम की बैचलर्स में डाल दी और एलएलबी की एडिशनल डिग्री में डाल दी, तो उस हिसाब से आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। इसमें भी सेम आईडी पासवर्ड वाला सीन रहेगा, तो आपको आईडी पासवर्ड तो चाहिए होगा, अगर नहीं है तो किसी प्रोफेसर की ईमेल आईडी फॉर श्योर विथ डोमेन ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज चाहिए ही होगा। ओके, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा टेस्ट एस डिटेल्स। तो अभी टेस्ट एस डिटेल्स क्या है, तो अगर कोई बंदा बैचलर करने के लिए जा रहा है जर्मनी तो उसको टेस्ट टेस्ट देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर टेस्ट टेस्ट जिसने दी है, मोस्टली बैचलर वालों के लिए है ये चीज़ कि अगर आपने टेस्ट टेस्ट दी है तो आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी है, नहीं दिए तो स्किप कर सकते हो, और मास्टर्स वालों को तो स्किप ही करना है। तो और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में इसमें इंग्लिश और जर्मन दो है, तो इंग्लिश में इसमें आईएल्स और टॉफेल दो ही चीज़ कंसिडर करते हैं ये लोग, पीटी कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपने अगर आईएल्स और टॉफेल में से दो किसी भी एक एग्जाम दी है तो आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, और अगर आपने नहीं भी दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। APS में IELTS का ना होना या फिर जर्मन लैंग्वेज का ना होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बस अगर आपके पास पढ़ा हुआ है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं APS के लिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें पेमेंट का ऑप्शन होगा। तो देखो मेरे हिसाब से CC Avenue बेस्ट रहेगा, क्योंकि CC Avenue में आप अगर CC Avenue से पे करते हो
तो आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन वाला पेमेंट यूज करते हो तो आपको बैंक ट्रांसफर करना होता है, जो आपको APS की चेकलिस्ट है उसमें नीचे आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएगी APS की, तो उसमें बैंक ट्रांसफर करना होता है। और फिर उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट होती है वो हम आएंगे पोस्ट करनी है कैसे, वो हम उसके ऊपर भी आएंगे। तो अगर आप पेमेंट करने वाले हो तो CC Avenue सिलेक्ट करो। तो CC Avenue जैसे आपने सिलेक्ट किया तो CC Avenue सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं होती है। तो सबमिट पे क्लिक करने से पहले पूरी डिटेल्स एक बार बैक जाके चेक कर लीजिए, बैक इन द सेंस कि प्रीवियस जो लिखा हुआ है वहां से प्रीवियस करना, बैक करोगे तो पूरा निकल जाएगा। तो प्रीवियस करके पूरी डिटेल्स सारी, नेम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपके प्रोफेसर की ईमेल आईडी, आपका आईडी, पासवर्ड, सब सही एकदम अच्छे से चेक कर लीजिए। एंड देन कंफर्मेशन हो जाए आपको कि आपकी सारी डिटेल्स ओके है, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी सबमिट होने के बाद, पे लेटर और पे नाउ। तो आपको पे नाउ करना है, पे लेटर भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। तो पे नाउ करिए, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एम्बेसी ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी करके एक खुल जाएगा, उसमें आपको अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग थ्रू करना है, या फिर UPI करना है, या फिर वॉलेट से पेमेंट करना है। तो अभी इसमें सीन ऐसा है कि आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वो कुछ 250 अराउंड होते हैं। सो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन UPI है। UPI में आपको सिर्फ अपनी UPI आईडी डालनी है और उसके बाद आपको फ़ोन में मैंडेट आ जाएगा, जैसे भी लाइक अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो तो गूगल पे में मैंडेट आएगा पे नाउ वाला, तो आपको उसमें पेमेंट करना है और उसमें 18,000 ही कट होते हैं, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन है। और जैसे आपकी पेमेंट हो जाए उसका जो डिटेल्स होती है उसका स्क्रीनशॉट एक ले लेना है, क्योंकि वो हमको पोस्ट करने के लिए चाहिए होगा। तो वो हो गया। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन जो टाइमर वाली है वो भी हट जाएगी, और उसके बाद लाइक थैंक यू लिखा के आ जाएगा, और उसके बाद साइट अपने आप रीडायरेक्ट कर देगी। और अब जैसे ही आपकी पेमेंट अगर हो जाती है सक्सेसफुली, तो आपको जाना है APS की लॉगिन वाले में। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था अप्लाई और लॉगिन लिखा के आया था, तो हमको लॉगिन में जाना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, और उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑप्शन होगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड में जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एक PDF ओपन हो जाएगी आपके सामने, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी। लास्ट में आपको चेक कर लेना है कि पेमेंट स्टेटस में कंप्लीटेड लिखा के आना चाहिए, वो आपने चेक कर लिया, फिर उसकी प्रिंट आउट करवानी है आपको। तो मतलब आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना। तो उसके लिए पूरी एक चेकलिस्ट APS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो PDF मिल जाएगी, तो वो चेकआउट कर लेना कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। प्लस एक चीज आपको और ऐड करनी होगी इसमें, अपना कंसेंट फॉर्म। तो कंसेंट फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो भी उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद जब ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर कर लो तो चेकलिस्ट के हिसाब से सीक्वेंस वाइज सेट कर देना है, और जो आपका डॉक्यूमेंट मतलब एप्लीकेशन की उसका जो फॉर्म आया है उस फॉर्म पे लास्ट पेज पे एक सिग्नेचर करनी है, कंसेंट फॉर्म में एक सिग्नेचर करनी है, कंसेंट फॉर्म पूरा फिल करके सिग्नेचर करनी है। एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एनवेलप में बंद करके उसके ऊपर आपको एड्रेस लिखना होगा, वो एड्रेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो अब आपको एक ऐसा एनवेलप लेना होगा, और एनवेलप पे तो यहाँ पे ऊपर की साइड आपको APS का वो डाल देना है एड्रेस, और नीचे की साइड आपको अपना डिटेल्स डाल देनी है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी, इतनी चीजें डाल देनी है। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, एनवेलप भी प्रिपेयर हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि आपके नज़दीक की जो पोस्ट सर्विसेज या फिर अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, तो वहाँ पे से आपको APS के लोकेशन पे वो पोस्ट करवा देना है। तो सिंपल इतनी चीज़ हो जाने के बाद आपकी जो प्रोसेस है पूरी वो परफेक्टली डन कंप्लीट हो गई है। तो बस दैट्स इट, आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है APS के लिए, आपने डॉक्यूमेंट्स भी पोस्ट कर दिए है, अब आपको एक महीने का वेट करना है कि आपका APS आ जाए। और उसके साथ साथ ही आपको रोज मेल चेक करते रहना है, क्योंकि एक चीज होती है कि काफी बार अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो या कोई डिटेल्स रिक्वायर्ड हो तो वो लोग मेल पे नोटिफाई कर देते हैं, तो वो चेक करते रहना है हमको कि कुछ उनको अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम तुरंत ही तुरंत उनको
रिप्लाई कर दे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो आर्ग्यूमेंट्स में सीक्वेंस का फुल ध्यान रखना है। और मैंने ये अपना APS सर्टिफिकेट अप्लाई किया है जो इस वीडियो में दिख रहा है, और वही मतलब मैंने अप्लाई किया था 11th जनवरी को APS सर्टिफिकेट के लिए, और मेरे पास APS सर्टिफिकेट आ चुका है। और मेरे को जस्ट 4 weeks और अराउंड 5 days लगे APS मिलने में। तो इस चीज़ की कोई ट्रिक या टिप्स नहीं है, पर जो मैंने चीज़ें बताई आपको वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको उनके लिए काम एकदम स्मूथ करना है, जिससे क्या होगा कि उनको प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे ही अगर कोई फाइल आती है जिसमें सब चीज़ें लाइक सारी डिटेल्स दी हुई है और सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सीक्वेंस में करे हुए हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है मतलब उनकी प्रोसेस करने में, तो वो लोग उसकी प्रोसेस जल्दी से कर देते हैं। तो यही एक लाइक प्रो टिप है जिससे आपका APS सर्टिफिकेट विद इन टाइम आ सकता है। तो ये सारी बातों का ध्यान आपको रखना है, और मैंने जैसे बताया वैसे आप अप्लाई करके अपना APS सर्टिफिकेट पा लो। और नेक्स्ट सीरीज में आने वाली है काफ़ी सारी वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, आपकी पूरी प्रोसेस लाइक इंडिया टू जर्मनी जाने की, आपका एडमिशन, आपका वीज़ा फाइल प्रोसेस, और वहाँ जाके भी क्या क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, लाइक आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन कैसे होगा, आपका बैंक अकाउंट ओपन कैसे होगा, आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, आपका अकोमोडेशन का क्या कैसे सीन हो सेट होगा, तो सारी वीडियोज आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।